हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है जेई मेंस 2020 टारगेट को लेकर है। आप लोग पिछले कई समय से चाह रहे थे कि फाल्के सर के साथ भी मैं एक सेशन लूं, तो आज सेशन फाल्के सर ही लेने वाले हैं कि अगले चार महीने में किस ढंग से पढ़ाई की जाए जिससे कि जेई मेंस में एक अच्छा स्कोर करें। दूसरे कुछ आपके डाउट थे, कन्फ्यूजन थे, और आप सभी लोग जो ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सबको मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि मैं और फाल्के सर नेक्स्ट वीक से हर वीक में एक एक सेशन लेंगे। उसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे कि आप जेई मेंस में जनवरी जो अटेम्प्ट देने वाले हैं उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। तो जो आपके डाउट्स हैं कि आप चार महीने में क्या करें, एडवांस के साथ मेंस की प्रिपरेशन भी करना चाहिए कि नहीं, तो मैं एक साथ मेंस के साथ सॉरी एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अब लास्ट फोर मंथ्स में आपका फोकस मेंस पे ज्यादा होना चाहिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ट्वेल्थ अपेयरिंग भी हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि ट्वेल्थ के साथ कैसे जेई मेंस की प्रिपरेशन की जाए, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि देखिए ट्वेल्थ के साथ जेई मेंस की प्रिपरेशन इजीली की जा सकती है, क्योंकि ट्वेल्थ बोर्ड प्री बोर्ड के एग्जाम जो आपके होते हैं वो नॉर्मली नवंबर दिसंबर में होते हैं, उस समय तक आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर चुके होते हैं। तो ये एडवांटेज आपको जनवरी में जब आप जेई मेंस देंगे तो उसमें मिलेगा। और अगर आपने जनवरी मेंस में अच्छा स्कोर किया तो एडवांटेज ये होगा कि आपको जेई मेंस 2 नहीं देना होगा, सीधा आपको 4-5 मंथ एडवांस के लिए मिलेंगे। तो मेरा पर्सनली सजेशन ये होगा कि अभी अगले चार महीने आप पूरा फोकस मेंस पे रखें, एनसीईआरटी बुक को बेस बनाएं और बहुत ही पॉजिटिवली पढ़ाई करें। मैथ्स कैसे पढ़ना है मैं बताता रहता हूं। मैं चाहूंगा फाल्के सर आप बच्चों को बताओ, क्योंकि ये काफी समय से डिमांड कर रहे थे कि आपके साथ मेरा एक सेशन हो, कि फिजिक्स किस ढंग से पढ़ना है। सबसे अच्छी बात है कि अब आप भी वीकली सेशंस लेंगे, तो बच्चों को प्रॉब्लम ही आ रही है कि ट्वेल्थ के साथ मैनेज कैसे करें, एक उनका डाउट है। दूसरा कि किस ढंग से पढ़ें कम टाइम में कि पूरे टॉपिक का रिविजन भी कर पाए और मेन्स में एक अच्छा स्कोर करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम उन बच्चों से बात कर रहे हैं जो जेई मेन या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट या एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपसे बात करने आया हूं फिजिक्स के रिगार्डिंग। मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, शरद सर के पास भी कॉल्स आते हैं कि हमको इन बचे हुए चार महीनों में हमारी प्रिपरेशन किस तरह की होनी चाहिए, क्या हमारी अप्रोच होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे कॉल्स मेरे पास भी और शरद सर के पास भी आते हैं। तो मैंने और शरद सर ने मिलकर एक बात तो यह तय की है कि इस वीक से हम कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेंगे आपके लिए, तो उन ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हम आपकी मदद कर पाएंगे। फिजिक्स में मैं मदद करूंगा, मैथ्स में शरद सर आपकी मदद करेंगे। ये जो क्लासेस हैं ये आप सभी अटेंड कर सकते हैं, भले ही आप नीट का एग्जाम दे रहे हो या एम्स का या जेई मेन एडवांस का, क्योंकि ये क्लासेस बेस्ड रहेंगी एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी की बुक को हम फोकस करने वाले हैं, उसमें की थे उसमें जो थ्योरी है वो डिस्कशन होगा, उसका डिस्कशन होगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम बहुत सारी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और ये जो क्लासेस होंगी ये इन सभी बच्चों के लिए कॉमन होंगी। वैसे तो यूट्यूब पर आप मेरे वीडियोस भी देखते ही होंगे, इम्पिटस गुरुकुल का अलग से फिजिक्स का चैनल है, उसके ऊपर आपने वीडियोस देखे ही होंगे। तो आपको यदि ये फिजिक्स पसंद आती है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो इन क्लासेस को आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए, जिससे आपको मेन और एडवांस की प्रिपरेशन, नीट और एम्स फिजिक्स की प्रिपरेशन में बहुत मदद मिलने वाली है। अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, एग्जाम ड्यूरिंग एग्जाम आपको क्वेश्चन कम समय में करेक्टली कैसे सॉल्व करना है, कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा, ये सब बातें हम उन क्लासेस में करने वाले हैं। अब रहा सवाल आपके सिलेबस के कवर करने का इन चार महीनों में, तो जो बच्चे ट्वेल्थ की परीक्षा भी साथ साथ देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम, उनको मेरा कहना यह है कि इलेवेंथ का सिलेबस अभी आपको दूर रख देना चाहिए, आपको अपना फोकस रखना चाहिए ट्वेल्थ के सिलेबस पर, क्योंकि खुद ट्वेल्थ का सिलेबस बहुत सारा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। इलेवेंथ के कुछ टॉपिक्स आप रिवाइज कर सकते हैं, ऑलरेडी आपने पढ़ा ही होगा, मैकेनिक्स आप जानते ही होंगे, हीट थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ी होगी, SHM वेव्स आपने पढ़ा होगा, तो उनका रिविजन आप जनवरी मंथ में कर सकते हैं या दिसंबर लास्ट में कर सकते हैं। यदि आप जनवरी में एग्जाम देंगे, हालांकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है किस तरह से एग्जाम होने वाली है, हमको मालूम नहीं है, पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक जनवरी में होगा और एक अप्रैल में, तो दिसंबर में आखिरी 15 दिनों में आप 11th रिवाइज करें, पर अभी ये जो कमिंग मंथ्स हैं इन मंथ्स में आपको 12th के सिलेबस पर फोकस करना चाहिए। उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इस पर ज़्यादा जोर दें, ऑप्टिक्स ये बहुत जल्दी हो जाएगी, रे ऑप्टिक्स तो आप इजीली कर लेंगे, वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम हर एक टॉपिक का एक एक क्लास आपके साथ में करेंगे, उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वो सेशंस आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। और 12th के बच्चों को एक और बात,
मैं कहना चाहता हूं कि जब आप वेव मोशन पढ़ रहे होंगे, मतलब वेव ऑप्टिक्स, आई मीन क्लास 12th का वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ रहे होंगे, तो इसमें बुराई नहीं है कि आप वेव मोशन 11th का साथ साथ में रिवाइज कर लें। इसी तरह SHM 11th का वो रिवाइज कर लें जब आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे होंगे। तो इस तरह आप मैकेनिक्स को छोड़ दें। मेरा कहना यह है कि मैकेनिक्स पर ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम्स टफ भी होती हैं और वो बहुत देर लगती है उसके कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने में मैकेनिक्स के। तो मैकेनिक्स को छोड़कर SHM और वेव मोशन ये 11th का कर लें और 12th का पूरा सिलेबस। मॉडर्न फिजिक्स बहुत आसान होती है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन सब टॉपिक्स को 12th के। बाकी जो 11th वाले बच्चे हैं उनको मैकेनिक्स पे ध्यान देना चाहिए। पूरे साल आप मैकेनिक्स ही पढ़ते रहे तो भी बुराई नहीं है, क्योंकि जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे 12th में जाकर, तो आप देखेंगे कि मैकेनिक्स के ही कॉन्सेप्ट्स हमको वहाँ यूज करने होते हैं। तो मैकेनिक्स हमारी बहुत स्ट्रांग हमको कर लेनी चाहिए। हीट थर्मोडायनामिक्स पे आप कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा। तो ये बातें तो खत्म होंगी नहीं, मैं आपसे इस तरह कुछ बोलूं तो आपको शायद कम समझ में आएगा या आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे मेरी बातों को। तो बेहतर यह है कि हम क्लास के थ्रू आपको समझा पाएं कि आपको अपनी तैयारी किस तरह करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि बस आज के लिए इतना काफ़ी है। शरद सर अभी इसको कंक्लूड करेंगे सेशन को, और मैं आपसे क्लास में मिलता हूँ। ऑनलाइन हम क्लास लेंगे तो मैं आपसे क्लास में मेरी मुलाकात होगी। वेरी थैंक्स। जैसा कि फाल्के सर ने भी बताया कि आपका फोकस इस समय, अगर आपने 11th के टॉपिक बाई चांस अच्छे से नहीं किए तो 11th के टॉपिक को छोड़ के 12th पे फोकस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और टॉपिक्स भी बताए और वो सेशन के थ्रू काफी चीजें कवर होंगी। और आप सबको मैं बोलना चाहूंगा, मैथ्स में भी अगर आपका मैथ्स का कोई पर्टिकुलर टॉपिक 11th के क्लियर नहीं है तो आप करें ये, जैसे कैलकुलस के लिए ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगता है, 11th में भी बेसिक कैलकुलस है, कई सारे टॉपिक मैथ्स में 11th के साथ 12th से रिलेटेड है, तो उन पे वर्कआउट करिए। 4 मंथ्स का समय काफी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आप जीरो पे हैं। आपने जो कुछ पढ़ा है उसको एक प्रॉपर रिविजन की जरूरत होती है कि हम उसको ढंग से रिविजन करें, उनके एप्लीकेशन को समझें और रिजल्ट दे पाएं। और जो प्रीवियस ईयर के सेशन मैंने लिए पेपर सोल्यूशन के, उनको आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि टफ प्रॉब्लम करने से या बहुत ज्यादा बुक सॉल्व करने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है कंसेप्चुअल पढ़ाई करने से। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, आपके फाउंडेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आप हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप सभी ऑनलाइन वाले बच्चे जिन्होंने मुझे डाउट भेजे हैं, वो भी टॉपिक वाइज जो भेजे हैं वो डिस्कस भी करूंगा, साथ में रेगुलर वीकली सेशन लूंगा, जिससे कि कहीं ना कहीं हम लोग फिर से कनेक्ट रहेंगे हर हमेशा की तरह। और आप अपना पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करते चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि 100% सिलेबस करें, इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिलेबस करें वो 100% करें। और ट्राई करिए कि जेईई मेंस जो जनवरी में होने वाला है उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो अभी जो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, अभी मैं आप सभी को बोलूंगा कि अब समय है कि आप जेईई मेंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें और मेंस लेवल पे प्रिपरेशन करें। अगर जनवरी मेंस में अच्छा स्कोर कर लिया तो उसका एडवांटेज ये होगा कि आपके पास 4 महीने से ज्यादा समय मिलेगा। और अगर आपने अभी भी मेंस के क्वेश्चन ज्यादा करे और आपका इनकेस जनवरी में स्कोर मेंस में कम हुआ तो आपको मेंस दोबारा देना पड़ेगा, इसमें आपके पास एडवांस के लिए टाइम कम होगा। तो एक प्रॉपर लॉजिकल सिस्टमेटिक पढ़ाई से एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। थैंक यू एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट।